हेलो गाइस, प्यासी नेचुरल केयर में आपका स्वागत है। मैं हूँ पिया। आज मैं आई हूँ एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ में। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। मैं ऐसे ही बहुत ही कॉमन चीज़ों के बारे में बात करती हूँ जो पता नहीं होता कि हम घर में ही रह के चीज़ों को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो मैं ऐसी ही एक प्रॉब्लम के बारे में आज बात करूँगी कि आपको भूख नहीं लगती, आपने सब कर लिया है, दिन ब दिन आप कमज़ोर होते जा रहे हैं, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है और जिसकी वजह से आपको नई नई बीमारियां और हो रही हैं। तो उस सिचुएशन में आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि आपको अच्छे से भूख लगे, आपको कोई ज़्यादा बीमारियां ना हो और आप सही से स्वस्थ रहें और कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आगे के लिए भी अच्छे रहें। वही सब चीज़ें मैं आज इस वीडियो में कवर करूँगी। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्यों नहीं लगती है, क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, किसकी प्रॉब्लम की वजह से नहीं लगती है और हमें क्या खाना चाहिए जिसकी वजह से भूख लगे, वो भी नेचुरल, जो हेल्थ के लिए अच्छा हो और कोई भी साइड इफेक्ट ना करे, वही सब चीज़ें मैं इसमें बताऊंगी। तो मैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आप पुराने हैं तो आप तो मुझे ढेर सारा प्यार दे ही रहे हैं और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि हर बंदे को एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल सके जो कि जिसको भी ये समस्याएं वो नॉर्मल तरीके से ही और बिना पैसे खर्च कर किए रिजॉल्व हो जाए। सो गाइस, बात करेंगे कि भूख क्यों नहीं लगती है। उसके बहुत सारे कारण हैं कि आपका पाचन जो शक्ति है वो अच्छी नहीं है, आपको गैस की प्रॉब्लम है, आपको बहुत कब्ज की प्रॉब्लम है, आपको जब पेट की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उस सिचुएशन में आपको भूख नहीं लगती। तो सबसे पहले हमें किस पे काम करना चाहिए, अपने पेट पे, जिससे कि हमें भूख लगे और हम अच्छे से चीज़ों को खाएं और हमारे शरीर में कोई भी नई बीमारी ना आए और पुरानी बीमारियां भी ख़त्म हो जाएं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम ऐसी टिप्स के बारे में कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप तला भुना थोड़ा कम खाइए जिससे कि आपके शरीर का लीवर मजबूत हो, आपको गैस की प्रॉब्लम ना हो, आपको कोई भी कब्ज वगैरह की प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले आप तले भुने को एकदम साइड में उठा के रख दीजिए और बाहर की चीज़ों को भी अवॉइड करें, नंबर वन। नंबर दो, आपको ये बहुत ही अच्छी और अजमाई हुई टिप्स हैं जो मैं बताऊंगी, जो मैं अपनी डेली लाइफ में करती हूँ और मेरी फैमिली में भी यही सब चीज़ें फॉलोअप होती हैं जिससे हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो नंबर दो, क्या करें आप कि सुबह सुबह उठते के साथ ही पानी वानी पीने के बाद आप एक एप्पल खाएं, नहीं तो आधा एप्पल खाएं। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये मेरा अजमाया हुआ तरीका है, आप खुद अजमा के देखिए फिर आप मुझे बताइए। अब मैं इसका कारण भी बताती हूँ कि क्यों खाना चाहिए। आपने देखा होगा विदेशों में लोग कितना नॉनवेज वगैरह खाते हैं, तो उनको जल्दी से उनकी पाचन शक्ति मजबूत, मतलब जल्दी से उनका खाना नहीं पचता। उसके कारण आपने देखा होगा विदेशों में मैक्सिमम लोग मॉर्निंग में उठते के साथ एक एप्पल खाते हैं। अगर आपसे एक एप्पल भी नहीं खाया तो आप हाफ एप्पल खा लीजिए जिससे कि आपको भूख लगे। ये क्या करेगा, आपकी पाचन शक्ति को मजबूत करेगा सुबह सुबह खाने से और आपके एक इसको खाने के एक दो घंटे बाद ही आपको बहुत अच्छी भूख लगेगी। तो ये आप करके देखिए, बहुत ही अजमाया हुआ तरीका है। नंबर दो, मुनक्का आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस है, बहुत सारे पेट से लड़ने वाली बीमारियों को ख़त्म करता है। तो आप अपनी डाइट में मुनक्का लेना स्टार्ट कर दीजिए। अब मैं बताती हूँ वो कैसे कैसे लेना। जब भी आप मुनक्का लें, सबसे पहले तो आप अच्छे से उसकी सफाई का ध्यान रखें क्योंकि वो पता नहीं कहाँ कहाँ से होके आता है। तो आप गर्म पानी, गुनगुने पानी में 5 मिनट पहले मुनक्के उगला लें जैसे कि उसके सारे डर्ट पार्टिकल्स निकल जाएँ और आप उसको नॉर्मल गला के भी एक दो डाल सकते हैं, नहीं तो रात को दूध में डाल के उसको पिए। आपको इंटरनल एनर्जी भी मिलेगी और आपकी भूख बढ़ेगी और आपके शरीर में कोई नया रोग उत्पन्न नहीं होगा। नंबर तीन, आप खा सकते हैं और ला सकते हैं क्योंकि अंजीर थोड़ा महंगा होता है, मैं अंजीर के बारे में बात करूँगी, तो आप अंजीर खाएँ। ये भी आपको ताकतवर बनाता है और आपको बहुत तगड़े से भूख लगती है। ये तो थी भूख लगने वाली बातें कि आप इन चीज़ों का सेवन करें जिससे कि आपकी पाचन शक्ति अच्छी हो और आपको अच्छे से भूख लगे। अब हम बात करेंगे कि
और ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिनको आप नॉर्मल किचन में से लेकर ही खा लें और जिससे आपका पेट साफ हो जाए, आपको गैस की प्रॉब्लम ना हो, आपकी आपको कब्ज की प्रॉब्लम ना हो, किसी की भी प्रॉब्लम हो, आपका लीवर मजबूत हो, आपकी पाचन शक्ति मजबूत हो सॉरी आज मैं कितनी फंबल कर रही हूँ, तो ये कर लीजिए। देन उसके बाद में आप कभी भी मैक्सिमम टाइम, मतलब दिन में या फिर मैक्सिमम टाइम आप गुनगुना पानी का सेवन करिए, बैठ के सेवन करिए, जिससे कि आपकी पाचन शक्ति मजबूत हो। अब आपको ऐसा घरेलू वाली जो मैं किचन वाला चीज़ें बताने वाली थी वो ये थी कि सबसे पहले अगर आपको कोई भी इन तरीके की प्रॉब्लम है और भूख ना लगने वाली प्रॉब्लम है तो किचन से ही लेके आप क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं। जैसे काला नमक और अजवाइन को मिक्स कर लेके और आप गुनगुने पानी के साथ में फंकी ले लीजिए, मतलब कि फंकी इन द सेंस पी खा लीजिए और पानी पी लीजिए, आपको भूख लगना बेइंतहा स्टार्ट हो जाएगा, जिनको नहीं लगती है और जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। देन नंबर दो, आपको क्या करना है, मूली और काला नमक। मूली को आप सैलेड में भी ले सकते हैं और नॉर्मल भी ले सकते हैं। मूली और काला नमक ये आपकी गंदी क्रियाओं को निकालती है और आपके पेट को साफ करती है और आपको स्वस्थ रखती है। नंबर तीन, आप इमली खा सकते हैं काला नमक लगा के, जो मार्केट में मिलती है, जिससे कि ये भी आपको बहुत अच्छे से राहत देती है। नंबर चार, आप नींबू और नमक का पानी डेली दिन में एक बार तो मिनिमम लीजिए, जिससे कि अगर आपको भूख भी अच्छी लग रही है तब भी आपके पेट को और आपकी सारी क्रियाओं को अंदर से क्लीन करके नींबू और नमक का पानी लाता है, जिससे कि आपको कोई रोग नहीं होता है। ये सब चीज़ें आप अपनी डाइट में ले लीजिए, जिससे आपको जितनी भी प्रॉब्लम है, गैस्ट्रो की प्रॉब्लम है, आज के टाइम में गैस्ट्रो की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसकी वजह से कितने सारे लोग चले जाते हैं, क्योंकि गैस बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया है आज के टाइम में। तो आप ये सब चीज़ें करें जिससे कि आपके पेट की प्रॉब्लम, आपके सब चीज़ों की प्रॉब्लम, जो आपके पेट में प्रॉब्लम है उन सब चीज़ों को ख़त्म करेगा। ये सब चीज़ें आप अगर लेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, करके देखिए। मैं अपनी वीडियोस में ऐसे ही कॉमन चीज़ें और नेचुरल लेके आती हूँ, जिसे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और आप हेल्दी और हैप्पी भी रहते हो। सो गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने सगे संबंधियों में शेयर करें, जिनको ये प्रॉब्लम है उनको बताएं, जिससे कि आपकी बड़ी से बड़ी समस्या को पहले ही रोक देगा और आपको हेल्दी और हैप्पी हो जाएगा। बस एक मेरा छोटा सा कदम है आप लोगों के लिए कि आप स्वस्थ रहें, नेचुरल तरीके से आप अपनी बॉडी की केयर करें और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सो गाइस, वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए बहुत ज़्यादा लंबी ना करते हुए मैं लेती हूँ आपसे विदा। अभी चलती हूँ, अभी के लिए बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। बाय।